यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। तेरे हो जाएगी बड़ी जिंदगी घड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। मगर मैं इसे भी आगे जाना चाहता हूँ, पढ़ाई तो आज भी मैं कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो क्योंकि पप्पू का ध्यान अपने शो से हट चुका है। तुम कभी स्कूल गए और कभी पढ़ाई की है? छोड़ो ना यार, ये पढ़ते तो थोड़ी ना जॉकर बनते। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे समझ में आ गई है, और वो ये कि अशिक्षा और अज्ञान का अंधेरा हमारी जिंदगियों को रात बनकर डसे हुए है, और उसे दूर करने के लिए चाहिए ज्ञान का प्रकाश, शिक्षा का प्रकाश। मुबारक हो बेटा हुआ है। मुबारक हो। ए राजू बेटा, ए देख पप्पा है। अरे झूला क्या लाया? अब मेरा राजा बेटा इस झूले में झूलेगा। चलो चलो चलो, झूले में झूलेगा तू। ये राजा बेटा देखो कैसे झूल रहा है। अरे राजा बेटा देखो कैसे झूल रहा है। एक पंखा भी लेना चाहिए ना राजू अंकल। हाँ, पंखा और मच्छरदानी भी। हाँ, मच्छर भी बहुत होते हैं। हम लोग तो एक शहर से दूसरे शहर भागते रहते हैं, मच्छरों से तो बच्चे को बचाना ही होगा। पैसे दो मैं अभी लाता हूँ। अरे कहाँ बचे पैसे, मुश्किल से 60-70 रुपए बचे होंगे, तनख्वाह होने को भी एक हफ्ता बाकी है। तो रघुनाथ से ले लो। पहले ही 10,000 ज्यादा ले चुका हूँ। अम्मा हीरा मिया, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? आइए सलामत मिया जी, तशरीफ लाइए। मुबारक हो, मुबारक हो। कहाँ है हमारी अन्ना बिटिया के साहबजादे, जरा हम भी तो उनके दीदार करें। अरे मिया, अभी अभी तो मेरी लोरी सुनकर सोया है राजा बेटा। तो फिर इसी बात पर मैं भी एक शेर अर्ज कर देता हूँ। नहीं नहीं सलामत मियाँ, अपने शेर को पिंजरे में बंद रखिए, वरना राजा बेटा घबरा जाएगा और पूरी रात सो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों की राय है तो मैं अपने शेर को फिलहाल कैद कर देता हूँ, आइंदा फिर कभी सुनाऊंगा। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर, क्या खूबसूरत लड़का है। अच्छी सेहत पाओ मेरे नवाब, खुदा तुम्हें हर खुशी दे, हर बलाओं से महफूज रखे। या पाक परवरदिगार, इस नन्ही सी जान की हिफाजत करना। बेटी ये लो, मेरे नवाब को पहनाना। आज तक तो किसी ने मेरा शेर सुना नहीं, बड़ा होकर यही मेरे शेर सुनेगा। ओहो, शेर से डरता है राजा बेटा। चलो चलो सब लोग बाहर आ जाओ, राजा बेटा की नींद खुल जाएगी। आइए। ऐना, तुम राजा बेटा के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। ऐना, बहुत गर्म हो रहा है ना? नहीं, मैं पर्दे उठा देती हूँ। तब तो मच्छर भी बहुत आएंगे। कितनी सी जान है मेरे राजा बेटे की, मच्छर काटेंगे तो रो देगा ना।
क्या करूं, तनख्वाह होने को एक हफ्ता बाकी है, उसके बाद मैं मच्छरदानी और पंखा लाऊंगा, चलेगा ना? तुम परेशान क्यों होते हो हीरा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या करें, मुझे बहुत चिंता हो रही माधवन, पप्पू को अचानक क्या हो जाता है? होना क्या है, हम सभी सर्कस में काम करते हैं, अपना परिवार पालते हैं, पिछली बार जैसा झटका दिया था झटक दो, अपने आप जमीन पर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कलाकार आदमी है ना, तो हम मजदूर हैं क्या? वो आ रहा है। रघुनाथ जी क्या है, अब मेरे शोज बहुत पसंद किए जा रहे ना? फिर भी पहले जैसे नहीं। क्यों, लेकिन लोग तो खुश है। मैंने कहा था ना, उल्टी बात मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फिर मैं और मेहनत करूंगा। तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रघुनाथ जी क्या है, एक काम था। क्या, पैसे चाहिए होंगे ना? मच्छरदानी और पंखा लेना था बच्चे के लिए। अगले हफ्ता में तनख्वाह मिलेगी तब ले लेना। मगर मंथ एंड है भाई, सर्कस ये शोज भी तो हाउसफुल नहीं जा रहे हैं, और रोज का हजारों रुपए खर्चा है। बच्चे के लिए मैं ना तो नहीं कर सकता हूँ तो भी, मगर ना बेटा, बेटा मत रो, बेटा अभी पापा आएंगे, बेटे के लिए पंखा और मच्छरदानी लाएंगे। क्या हो रहा है बेटा? मम्मी बहुत गर्मी हो रही है और मच्छर काट रहे हैं। अच्छा ठीक है पढ़ाई में ध्यान दो। कैसे पढ़ाई में ध्यान दूं, यहाँ इतने मच्छर काट रहे और इतनी गर्मी हो रही है। क्या बात है बेटा, आज ही तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी तो है, मगर दीपू के डैडी ने उसके बेडरूम में एसी लगवाया है। अच्छा तो ये बात है। डैडी डिंकी के बेडरूम में भी एसी है, डैडी प्लीज हमारे बेडरूम में भी एसी लगवाओ ना। अच्छा लगवा देंगे, पहले पढ़ाई करो। हा? मैं तो जाकर हॉल में पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा होशियारी मत कर, मैं डैडी से कह दूंगी। मम्मी प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा। थैंक यू डैडी। बेटा थैंक यू तो आपको मम्मी को कहना चाहिए। थैंक्स मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आप तो मच्छर नहीं काटेंगे और ना ही गर्मी लगेगी, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वरना हाँ हम बहुत शड़ी करेगी मम्मा। अच्छे शैतान। अपनी जिंदगी पर रोकर दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है पप्पू। जोकर के हंसते हुए चेहरे के पीछे उसकी अपनी दर्दनाक चीखें होती हैं, मगर समझने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता पप्पू, उम्र और वक्त किसी के बस में नहीं। तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ना होगा। मच्छरदानी, ये पंखा देवी ने दिया। देवी, मुझे क्या करना है पंखा, और वैसे भी मच्छर वाली अगरबत्ती तो लगाकर सोती हूँ। मगर देवी, राजा बाबू से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी ना। देवी मगर अब खाना खा लो, आना तुम्हारा इंतजार कर रही है। आना को सही वक्त पर खाना खा लेना चाहिए, है ना?
गुड नाइट। देवी कितनी अच्छी है ना बेचारी। तुम क्या सोच रहे हो पप्पू? मैंने देवी से नहीं मांगा, उसे खुद ही। मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ, मगर मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी। 3,000 पगार में क्या होगा है ना। मैंने तनख्वाह बढ़ाने की रघुनाथ जी से बात की तो उन्होंने झटक दी बात, कैसे होगा है ना। तब तुम आजकल बहुत परेशान लगते हो। है ना। क्यों? क्योंकि है ना, मैंने बरसों से मेरी आंखों में रंग बिरंगा झील मिलाता हुआ सपना देखा था, वो कहीं बेरंग होता जा रहा है ना। तुम क्या कह रहे हो पप्पू? है ना, हमारे जिंदगी की उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है ना, और कमाई वही की वही है। जोकर तो बन गया मगर आगे क्या, हमारा बच्चा वो भी जोकर बनेगा? नहीं आना, नहीं, मुझे एहसास हो रहा है ना, हम लोग ऐसी दुनिया में कैद है जो रात के अंधेरे में चमचमाती है और दिन के उजाले में कराती है। ऐसी दुनिया जहां पर कोई भविष्य नहीं, कोई तरक्की नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था है ना, कभी नहीं सोचा था है ना। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की खुशी के लिए बहुत कुछ करना है। हम ऐसे कैद नहीं रह सकते है ना, ऐसे कैद नहीं रह सकते। और कैसे डैनी? कैसे हो मेहरान साहब? अरे मेहरान साहब क्यों? वो तो हुई तुम। नहीं डैनी, अगर तुम भी दिल से चाहोगे ना तो तुम भी मेरी तरह बन सकते हो। ये जन्म तो गया, अगले जन्म के लिए बुकिंग कर देता हूँ। अच्छा, अगले जन्म पूरी जिंदगी पढ़ते रहूंगा। अच्छा पप्पू कहाँ है? होगा अपने टीम। हाँ उसे मिल गया दोरू। पप्पू, पप्पू, अरे मयूर जी आइए, नमस्ते, आइए आइए। मुबारक हो, कहाँ है अपना राजा बेटा? ये क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं, राजा बेटे का मामा हूँ। अरे देखो तो सही इसमें क्या है। स्लेट? हाँ, बच्चे को पढ़ाना लिखाना वो तो मैंने सोच लिया, उसे करके दिखाना, बगैर पढ़ाई के कोई भविष्य नहीं। कैसे होगा, क्योंकि सर्कस तो किसी एक शहर में तो रहती नहीं है। ये लो। क्या है? इसमें मेरा पता और बोर्डिंग स्कूल का नाम है। अभी तो ये बच्चा है, मगर 5-6 साल बाद इस स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना, रहना खाना पीना और पढ़ाई सब वहीं पर हो जाएगा। इन बातों के लिए पैसे भी तो बहुत लगेंगे ना। हिम्मत नहीं हारते पप्पू, मैं जानता हूँ तुम बहुत जिद्दी हो, अगर तुम अपने मन में ठान लो तो कर सकते हो, और तुम्हें करना ही है। बच्चे का भविष्य तुम्हें बनाना है, वादा करो। वादा करता हूँ मैं। तुम अकेले नहीं, आना भी। आप सच कह रहे हैं, यहाँ की जिंदगी बहुत ही सिंपल हुई है। हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मगर पैसे भी तो हमारे लिए। कोशिश करो, रास्ते अपने आप नजर आएंगे। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने अपना रास्ता खुद ढूंढा, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पढ़ना बहुत जरूरी है पप्पू,
इसे इस माहौल में कैद मत करो, आजाद उड़ने दो। हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कल से काम पर आ जाओ। ऑफिस बॉय का काम करना होगा, खाने पीने के बर्तन साफ करने होंगे, तनख्वाह 1,500। सिर्फ 1,500? और कितने चाहिए? 10,000। उसके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। जी, सर्कस में मुझे तो 3,000 मिलते हैं। तो फिर वहीं जाओ ना, बाहर की दुनिया में पढ़े लिखों की कीमत है। मैं बीए पढ़ा लिखा हूँ, 7,000 तिनका मिलती है। चले जाओ, ऐसे जाओ। पप्पू, अरे कहाँ गायब रहता है आजकल तू? नौकरी की तलाश में गया था, मेरे बेटे को बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। अरे उसे अच्छे जोकर की ट्रेनिंग दे। कभी नहीं दे दूंगा। बहुत देख लिया, बाहर हमें 2 पैसों की कीमत नहीं है। लोगों का दिल बहलाने वाले बेजान खिलौने हैं हम, अनपढ़ गवार। नहीं, मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगा, जोकर नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। हमारी तरह 100-200 के लिए रोएगा नहीं। उसका बंगला होगा, गाड़ी होगी, करोड़ों का मालिक होगा। मैं चाहता हूं भगवान, हमारे हीरा की इच्छा पूरी कर।
पप्पू मेरी एक चिट्ठी आई है, जरा पढ़ के सुना ना। नहीं पढ़ूंगा। मजाक छोड़ना, चल जल्दी पढ़ दे। मैं चिट्ठी पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। क्या कह रहा है तू? हाँ मैं यही कह रहा हूँ। अरे मैंने तेरा वर्षों ध्यान रखा, तुझे मैंने वर्षों सहारा दिया, इसका ये मतलब दे रहे हो तुम? हाँ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सहारा देने के बाद भी आपको खुद को मेरे सहारे आना पड़ता है। आपकी खुद की चिट्ठी पढ़ने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ता है। अरे ये तो बचपन की भूल है पप्पू, इसका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर आप चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं। रहने दे। अरे अब उम्र गुजर गई, अब पढ़कर क्या करूंगा मैं? सवाल क्या करूंगा का नहीं है, सवाल है अपने आप को संपूर्ण बनाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, लेक्चर बंद कर, मैं चिट्ठी किसी और से पढ़वा लूंगा। सुनिए आइए मेरे पास, मैं पढ़ता हूं। प्रिय राजू, ये वाई और ये जेड। सुना है इस बार सर्कस किसी दूसरे शहर में जा रहा है? हाँ वो तो हमेशा हर एक दो महीने बाद जाता है, मगर इस बार तो हम हीरा, बस तू सारा वक्त सूरज के पीछे बिताया कर। अरे इसे पढ़ाना है ना। वो पढ़ेगा ना। सुन अगले हफ्ते हमारा सर्कस मुंबई जा रहा है। मुंबई? हाँ कितने सालों बाद हम मुंबई जा रहे हैं, तुम्हें याद है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, हीरा हमें वहीं तो मिला था ना। हीरा हमारे सर्कस के अलावा दूसरी एक और सर्कस है जो मुंबई आ रही है, हमें इस बार अच्छे शो करने हैं, तुम्हें वक्त देना होगा, नए आइटम्स तैयार करने हैं ना। कहाँ खो गया? अपने ही विचारों में खो जाता है। अरे सुन रहे हो ना? हाँ हमें अच्छे आइटम बिठाने होंगे। अरे भाई चाय को छोड़ो जरा, इधर तो आओ। ये देखो। क्या? हाँ तो? अरे भाई 16 साल के बाद मुंबई आ रहा है। अच्छा अरे भाई तुम भी कमाल की भुलक्कड़ हो, बैठो। अब आपके मन में क्या है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? तुम नहीं जानोगी तो कौन जानेगा? याद है जब ये 16 साल पहले मुंबई आया था तो पप्पू इस सर्कस को देखने गया था, और तुम्हें ये भी याद होगा उसने इसी सर्कस के लिए पैसे चुराए थे। हाँ, याद आया। देखो कल इसका पहला शो है, हम पहला शो फ्रंट रो में बैठ के देखेंगे, चलोगी ना? पता है ना जब से हम साथ में पढ़ने लगे ना मुझे पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही रस आने लगा है। सिर्फ रस ही ले रहे हो या कुछ सीख भी रहे हो? अरे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पता है मयूर ने मुझे कहा था धन जोड़ने से और विद्या बांटने से बढ़ती है, जब से मैं मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ मेरी विद्या बढ़ने लगी है। तो क्यों ना हम अपना ज्ञान और लोगों में बांट ले? सर्कस में ऐसे कितने कलाकार हैं जो अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। सर्कस एक ऐसा नशा है जो इन लोगों का ध्यान पढ़ाई से खींच लेता है, क्यों ना हम ऐसे लोगों को पढ़ाना शुरू करें? नहीं है ना, सर्कस को दोष मत दो। देखो ये एक कला है और कला कोई भी हो सम्मान के काबिल होती है। अगर दोष हो तो हमारा है, हमारे दोस्तों का है, साथियों का है। देखो जितना भी समय उन्हें मिलता है उतना समय वे लोग हमेशा गप्पे मारने में, मजाक मस्ती करने में, पत्ते खेलने में बिताते, उतना ही समय वे लोग अगर पढ़ाई करने में बिताए
तो कुछ सीख जाते। यही तो मैं भी कहती हूँ, पता नहीं इतनी सी बात ये लोग कैसे नहीं समझ पाते। अरे हम भी क्या समझ पा रहे थे, जब मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे तब मैं पढ़ाई से भाग लिया, अब मैं कुछ सीख रहा हूँ तब मुझे लग रहा है कि हमने अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए। ये बड़े लोग जब सीखेंगे पढ़ेंगे तभी तो वो पढ़ाई का महत्व जान पाएंगे और तभी अगली पीढ़ी के जीवन में ज्ञान का दीप जला सकेंगे। इसीलिए तो मैं भी कहती हूँ कि इन्हें समझाना चाहिए, इन्हें पढ़ाना चाहिए। ना, मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन न जाने ये लोग पढ़ाई के नाम से विदग्ध क्यों हैं। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग अगर कुछ पढ़ जाएंगे तो उनका जीवन सुधरेगा, कुछ जीने लायक हो जाएगा। यही तो इंसान की फितरत है, वो हर नई चीज से घबराता है, उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं फिर कोशिश करूंगा। अनपढ़ जो भी रहेगा हाथ वो मलता रहेगा, दुनिया चांद छुएगी बस वो देखा करेगा, दोष किस्मत का नहीं है तेरी लगन में कमी है। बात है ये पते की तेरे भले की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी